Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering ACCA F3 chapter number 6, that is inventory. This chapter is very important. इसमें से काफ़ी questions आ जाते हैं और इसका concept भी थोड़ा सा account से different है. This is related to maths और इस book से जहाँ से मैं करा रहा हूँ इसमें दो तीन topics हैं जो इतने important नहीं है, वहाँ से एग्ज़ाम्स के आने मतलब क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते. फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस फ्री वीडियोज. ओके, थैंक्स फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6, इन्वेंट्री, ACCA F3. सो इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज, सो देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, हमने अभी तक थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ी थी, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, हमने लेजर पढ़ा है अभी, है ना. सो दैट इज जस्ट लाइक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है. बट दिस चैप्टर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रोसेस. सो ये चैप्टर क्या है, लेट्स से यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लेट्स से शर्ट्स, तुम मैन्युफैक्चर करते हो शर्ट्स, ठीक है. सो या चलो शर्ट्स नहीं बोलते इसको, थोड़ा सा हम और चेंज कर लेते हैं और ईजी करने के लिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए. सो लेट्स से यू आर अ ट्रेडर और तुम्हारी रिटेल शॉप है, ट्रेडर एंड तुम्हारी रिटेल शॉप है, एंड तुमने लेट्स से कुछ बिस्किट्स परचेज किए थे, तुमने बिस्किट्स कुछ परचेज किए थे पहले कभी, आज से 2 महीने पहले, तब उसका बिस्किट का जो रेट था दैट वाज 20 रुपीज पर पैकेट, ठीक है. बीच में बिस्किट्स का जो रेट हो गया वो चेंज होके 25 रुपीज पर पैकेट हो गया, फिर इसका 22 रुपीज़ पर पैकेट हो गया, तो रेट बीच में थोड़े बहुत चेंज होते रहे, जो हमारा बिस्किट था उसके रेट चेंज होते गए. अब तुम्हारे पास एट द ईयर एंड लेट्स से 100 पैकेट्स पड़े हैं, यू हैव 100 पैकेट्स विद यू एट द ईयर एंड. अब 100 पैकेट्स में से तुम्हें ये देखना है कि इस 100 पैकेट्स में से कौन से पैकेट कितने के परचेज करे हुए हैं, ठीक है. और जब तुम ईयर एंड पे हम हमेशा जो अपनी बुक्स बनाते हैं, तो ईयर एंड पे बुक्स बनाओगे तो वहां पे एक टर्म हमारी होती है विच इज कॉल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक लाइंग विद अस एट ईयर एंड पे हमारे पास जो स्टॉक लाए कर रहा है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें पता है कि हमारे पास 100 पैकेट है. अब 100 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दीज पैकेट्स, ये चीज तुम्हें कैलकुलेट करनी है, है ना. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसमें एक ही वैल्यू ले लें कि ठीक है अब 100 पैकेट्स है, हमें क्या पता है? इसमें कोई बैच नंबर तो होता नहीं है कि कौन सा पैकेट कब परचेज किया कब नहीं परचेज किया, हमारे पास तो बल्क में हमें 100 पैकेट्स दिख रहे हैं. तो किस वैल्यू पे हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखें, क्योंकि अकाउंट्स में एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू, मॉनिटरी टर्म्स में हमें हर चीज़ को लिखना पड़ता है. तो एक चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर में 2 चीज़ें ही हैं लेकिन सबके काफ़ी फॉर्मूलेज हैं. सो सेकंड थिंग दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो स्टॉक है, अब यू आर नाउ अ मैन्युफैक्चरर, यू आर नाउ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स, तुम शर्ट्स बनाते हो. तो सबसे पहले तुमने रॉ मटेरियल लाइक क्लोथ, तुमने क्लोथ बटन्स एक्सेट्रा शर्ट के लिए ये सब परचेज करें. ये परचेज करने के बाद तुमने इसको प्रोसेस करा और शर्ट बनाई,
प्रोसेस करके तुमने शर्ट बनाई। अब शर्ट बनाने के बाद तुम्हारे पास ईयर एंड पे फिनिश्ड शर्ट्स हैं, तुम्हारे पास ऑफिस में फिनिश शर्ट हैं। अब अगर मैं तुम्हें एक शर्ट के बारे में बोलूँ, ध्यान से सुनना, जस्ट फॉर वन शर्ट मैं बोलता हूँ कि मेरा रॉ मटेरियल जो एक शर्ट का लगा है वो लगा है 70 रुपीज़ का, जो क्लोथ बटन्स वगैरह उसमें लगे हैं वो लगे हैं 70 रुपीज़ के, और प्रोसेसिंग में जो मैं वेजेस देता हूँ, वेजेस पर प्रोडक्ट, जैसे लेबर जो होते हैं जिनको वेजेस मिलती है, वेजेस आर दिहाड़ी, दिहाड़ी मीन्स जितने प्रोडक्ट्स एक लेबर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलते हैं। अगर आज 10 शर्ट बनाई, लेट्स से एक शर्ट के 100 रुपये हैं तो 10 शर्ट के उसको 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो वेजेस हम देंगे, लेट्स से मैंने वेजेस दिए हैं 50 रुपीज़ पर शर्ट, तो एक शर्ट की वेजेस हैं 50, प्लस मशीन के अंदर शर्ट चली थी तो मशीन के अंदर पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है, है ना, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। तो ऑल दो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट पर शर्ट, बट हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर टोटल मशीन कितने घंटे चली है, एक टोटल घंटों में इतनी शर्ट्स बनी है, तो एक शर्ट में कितनी मशीन चली होगी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो वैल्यू। हालांकि हमें इतना कैलकुलेट इसमें नहीं करना, जस्ट टू लेट यू नो, सेम गोज फॉर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ वेजेस मान के चलता हूँ कि शर्ट में रॉ मटेरियल लगा था 70 का और वेजेस लगे थे 50, सो दैट मीन्स जो फिनिश्ड शर्ट तुम्हारी बनी है इसकी जो तुम्हारी कॉस्ट आई है दैट इज 120, के टोटल खर्चा जो एक शर्ट को बनाने में लगा है वो लगा है 120, 70 रॉ मटेरियल और 50 जो तुमने लेबर को दिया इस शर्ट को बनाने में, ठीक है, दैट इज कॉस्ट। और मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू, FMV इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शर्ट इज, एक केस आएगा अगर 100 रुपये है, एक केस आएगा 130, मतलब मार्केट के अंदर ये जो शर्ट है इसको बनाने का अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा होता है या तो 100 रुपये आता है, 130 आता है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू इज 100 या 130। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, या फिर फेयर सेलिंग वैल्यू भी मैं इसको बोल सकता हूँ, कि मार्केट में ये शर्ट कितने की सेल होती है। नॉर्मली तो ये शर्ट हमेशा ज़्यादा की सेल होगी, बट देयर कैन बी सर्कमस्टांसिस कि हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है और चीज़ सस्ती बिकेगी, मार्केट मंदी हो गई, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेन हमें जो पढ़ना है वो ये दो चीज़ें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना, दूसरा हमें देखना है कि अगर कॉस्ट कुछ है और मार्केट वैल्यू कुछ है तो हम कैसे स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी आई नो कि बहुत कंफ्यूजन होगी कि क्या चैप्टर है क्या चीज़ है, जस्ट ये सोच लो कि फैक्ट्री है तुम्हारी, फैक्ट्री में साल ख़त्म हो गया, साल के एंड में तुम्हारे पास एक गोडाउन में ये सारा स्टॉक पड़ा है। अब ये स्टॉक तुम्हें बुक्स में किसी रेट पे शो करना है, ये रेट क्या निकालेंगे वो चीज़ हमने पढ़नी है, जस्ट अ क्रक्स। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा आता है, देखो जैसे मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक मैंने बताई है स्टॉक की कैलकुलेशन, कि एक तो हमारी कॉस्ट होती है और एक होती है मार्केट वैल्यू विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेट रिलायजेबल वैल्यू, दिस इज नेट रिलायजेबल वैल्यू, या तो कॉस्ट या नेट रिलायजेबल वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक अभी पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग वाली जो मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास 20 बिस्किट्स पड़े हैं तो, या 100 बिस्किट्स पड़े हैं तो, वो चीज़, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होता है इसमें हमारी दो टर्म्स आती हैं, देखो एक होता है हमारा रेवेन्यू, तो मैं अलग से लिखता हूँ, चलो एक होता है हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, कि कितना टोटल सामान मैंने बेचा इन अमाउंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन अमाउंट, कि कितने का मैंने स्टॉक सेल किया, 2 लाख 30 लाख, टोटल मैंने सेल्स कितनी करी है। एक आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज या जो हमने सेल्स की हैं उसमें टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो सेल्स मतलब कितने की हमारी, कितना टोटल हमारी सेल्स हुई है, कितना माल बिका है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स जो सामान मैंने बेचा है उस सामान को बेचने में टोटल एक्सपेंस कितना है, उस सामान का टोटल खर्चा कितना था, सामान को खरीदने का, रॉ मटेरियल, सामान को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोसेस का सारा खर्चा मिला के टोटल उस चीज़ को बनाने में कितना खर्चा आया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने टोटल मेरे पास थे 100 यूनिट्स और मैंने सेल करे 80 यूनिट्स, तो इन 80 यूनिट्स की जिस वैल्यू पे मैंने सेल करे दैट विल बी कॉल्ड सेल्स, और इन 80 यूनिट्स पे टोटल एक्सपेंस मैंने कितना करा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, परचेज का खर्चा, ओपनिंग जो भी सारा है वो खर्चा मिला के टोटल एक्सपेंस मैंने कितना करा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दो फॉर्मूले अभी तुम्हें लर्न करने हैं, रेवेन्यू मीन्स सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो नेट परचेज को मैं एक चीज और बोल सकता हूं, नेट परचेज मीन्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड नेट परचेजेस। ठीक है, तो रेवेन्यू मीन्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था मेरे पास, प्लस नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेज किया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, ये हमारा बनता है फॉर्मूला। अब अगर मैं देखूं कि हमने पैसे कमाए कितने, तो अगर मैं इसमें से देखूं कि हमने पैसे कमाए कितने, तो मैं ये देखूंगा इस 80 के प्रोडक्ट में टोटल सेल वैल्यू कितनी थी, कि कितने के मैंने 80 के गुड्स बेचे, और टोटल एक्सपेंस इस पे कितना हुआ मेरा, जितने के मैंने गुड्स बेचे माइनस इन 80 पे जितना मेरा खर्चा हुआ वही मेरा प्रॉफिट आएगा, दिस विल बी माय प्रॉफिट। जितने का सामान मैंने सेल किया माइनस इन जो मैंने जितने प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए थे 80, उस पे टोटल खर्चा कितना हुआ था वही मेरा प्रॉफिट आएगा। तो हमारा एक फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अभी ये तीन फॉर्मूलेज लर्न कर लो, ये फॉर्मूलेज लर्न करके हम इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे तुम चाहो तो पॉज कर सकते हो। तो ये हमारा इन्होंने एक चार्ट बनाया है कि रेवेन्यू के टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला इन्होंने ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस जो भी चीज़ अकाउंट्स में माइनस होती है, हम उसको कभी भी जैसे 100 में से मुझे 70 माइनस करना है, आई विल नॉट राइट लाइक दिस, इन अकाउंट्स वी राइट इट लाइक ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स माइनस, ठीक है। सो यहाँ से ये माइनस हो गया, सो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने माइनस कर दिया, वो आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, आया मैं इसको ग्रॉस कर देता हूँ, ये जो था ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है गाइस। सो ये हमारा बनता है एक छोटा सा चार्ट। अब फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेस हैज 1500 ऑफ इन्वेंट्री लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीसीडिंग अकाउंट्स पीरियड, के ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज $1500 ड्यूरिंग द ईयर दे परचेज एडिशनल गुड फॉर $21,000। तो जो परचेज है मेरी
this is $21,000 एंड मेक्स सेल टोटलिंग ऑफ 25,000, जो सेल हमने की है दैट इज 25,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर देर वॉज 3,000 गुड्स लेफ्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 3,000, तो सेल्स मुझे पता है, तो यहां पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 1500 प्लस 21,000 माइनस क्लोजिंग 3,000 ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो 21 प्लस 122 500, सो दिस इज 19,500. 19,500 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी सेल्स विच वॉज 25,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 19,500, सो दिस इज 5,500. तो 5,500 मेरा आ गया प्रॉफिट. तुम्हें ये चीज़ सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी है. ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, इट्स नॉट अ रिटन एग्जाम, तुम्हारा मल्टीपल चॉइस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो फटाफट से यू कैन कैलकुलेट, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दो फिर अपना सेल्स. ठीक है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम सेल्स जैसे इन्होंने करा हुआ, ऐसे मत करना. ये चीज़ प्रेजेंटेशन के लिए होती है, लेकिन तुम्हें कुछ प्रेजेंट नहीं करना कहीं पे, तो इस तरह से कभी मत करना. अगर तुम कैलकुलेटर पे करोगे ऐसे कि 25,000 माइनस दिस प्लस दिस, गलत हो जाएगा. तो इसका सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ. देखो इसका सिंपल मेथड दैट यू कैन डू इज, पहले कैलकुलेट कर लो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स. देखो मैं दिखाता हूँ, जस्ट वन सेकेंड. तो देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया हमारा, 1500 प्लस 21,000 माइनस 3,000, ये मेरा आ गया 19,500. सो 19,500 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, सेल्स वाज 25,000, तो 25,000 माइनस 19,500 ये आ गया कॉस्ट ऑफ, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दिस इज योर आंसर. इससे ज्यादा स्ट्रेस हमें नहीं डालना इस पे. कॉरेक्ट गाइस, चलो अभी वाली इलस्ट्रेशन भी करते हैं एक बार. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. वन, पीटर बाइज एंड सेल्स वॉशिंग मशीन. ओके, पीटर वॉशिंग मशीन खरीदता और बेचता है. ही हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी ईयर्स. ऑन 1 जनवरी 2017 हिज ओपनिंग इन्वेंट्री इज 30 वॉशिंग मशीन्स विच कॉस्ट 9,500. अब इसमें 9,500 ईच नहीं लिखा हुआ, अगर ईच लिखा होता तो हम ये मानते कि टोटल इतने की उसकी एक मशीन है. अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं करी हुई कि ईच है कि नहीं. 30,9,500 9,27,2,70,000. हाँ यहाँ पे ईच नहीं लिखा हुआ तो हम इसको सिंपल मानेंगे. सो ओपनिंग स्टॉक इज 9,500. ही परचेज 65 मशीन्स इन द ईयर अमाउंटिंग टू 1,50,000. जो इसने परचेज करा है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, टोटल मशीन्स थी इसके पास 30, इसने परचेज की हैं 1,50,000 की 65 मशीन्स. ऑन 31st December ही हैज़ 25 मशीन्स लेफ्ट इन इन्वेंट्री विद अ कॉस्ट ऑफ 7,500. तो जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 7,500 फॉर 25 मशीन्स. हमें कुछ नहीं सोचना कि 30 के लिए इतनी थी तो 25 के लिए इतनी क्यों है, अभी कुछ नहीं सोचना है. जहाँ सोचना होगा वहाँ सोचेंगे, यहाँ पे हम इस चीज़ पे दिमाग ख़राब नहीं करेंगे. हमें सिंपल गिवन है क्लोजिंग स्टॉक इतना था. आगे, पीटर हैज सोल्ड 70 मशीन्स विद सेल वैल्यू ऑफ 2,15,000. सेल्स उसने करी हैं 2,15,000, कितनी मशीन उसने सेल करी है, 70. अब हम निकालते हैं यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब सीधा मैं यहीं से देख लेता हूँ. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो ये मेरा हो गया 7,595,2,000, तो 1,52,000. और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,15,000 माइनस 1,52,000. तो 1,15,152, 48.
58 plus 5, 63,000. So this is your gross profit. ठीक है गाइस, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा. अब यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछता है कि कितने यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं, कितने यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो सेम यूनिट्स भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ओपनिंग थे मेरे पास 30, 65 मैंने परचेज करे. ओपनिंग मेरे पास थे कितने, 30, 65 मैंने परचेज करे, टोटल कितने हो गए, 95 में से मैंने सेल कितने करे हैं, 70. सो 25 मेरे पास बचे हुए हैं और दैट इज वैल्यू दिस. तो क्लोजिंग स्टॉक 25 पता ही है कि 25 कैसे आया, 95 में से मैंने 70 बेच दिए तो 25 है. सो दिस इज लाइक अ क्रॉस चेक वैल्यू. कि यहाँ पे कई बार गलती हो नहीं सकती, इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती. ठीक है, सो ये हमारा होता है जो फर्स्ट थिंग हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. सो ईयर एंड एडजस्टमेंट में फर्स्ट थिंग मैं तुम्हें बताऊं, ये दो एंट्रीज ही हमें एक बार सिर्फ पढ़नी है, इसके अलावा जो इस पार्ट को हमें और नहीं करना. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज पर F3, रीजन बीइंग क्योंकि F3 के जो एग्जाम्स आते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो सिंपल एक चीज याद करना, जो भी हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, जो भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री को बुक्स में शो करने के लिए जो जर्नल एंट्री होती है, दैट विल बी डेबिट ओपनिंग इन्वेंट्री इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री, डेबिट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री. और क्रेडिट इन्वेंट्री मतलब कि एसेट्स में से हमारी ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना इसमें, बिल्कुल स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दो एंट्रीज लर्न करनी है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, फर्स्ट इज डेबिट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो हमारी एंट्री होती है, दैट इज डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री. रीजन, ओपनिंग स्टॉक को हम अपने एसेट्स में से ख़त्म करते हैं, एसेट्स में से निकाल देते हैं कि हमें ये स्टॉक बेचना है. तो एसेट का बैलेंस अली, अगर सबको याद है, ALEI, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. ओपनिंग स्टॉक हमें एसेट्स में से निकालना है, विड्रॉ करना है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करूंगा, दैट मीन्स क्रेडिट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैंने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री, कि ओपनिंग इन्वेंट्री मैं अपने एसेट्स में से कम कर रहा हूं. और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर एंड पे इतना स्टॉक बचा हुआ है, तो जो ईयर एंड पे स्टॉक बचा हुआ होता है वो हमारा एसेट होता है. ईयर एंड पे जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमारा एसेट है, तो उसको एसेट में डालना पड़ेगा. तो एसेट में डालने के लिए मतलब मैं डेबिट करूंगा इन्वेंट्री, क्रेडिट क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये हमारी होती हैं दो जर्नल एंट्री, फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. टेक वन मिनट और अच्छे से इसको देख लो. इस पे ज़्यादा स्ट्रेस मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, इस पे डालने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन केस अगर एग्जाम में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो तुम्हें ये चीज़ पता हो. दैट्स इट. ठीक है, पॉज करके देख लेना, लर्न कर लेना. अब इसमें आगे हमारा पॉइंट आता है, इस चीज़ को मैंने बताया था, इस चीज़ को हम स्किप करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये सारा हम स्किप करेंगे, इसको हमें नहीं देखना. वी विल स्किप दिस पार्ट, वी विल स्किप ऑल दिस पार्ट, इसको हमें नहीं करना. अब आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. जो मैंने बताया था कि अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, देखो तुम्हारे पास, तुम शर्ट्स बनाते हो, ठीक है, तुम्हारे पास शर्ट बनाने का जो टोटल एक्सपेंस है
लेट से तुमने 100 शर्ट्स बनाई और 100 शर्ट्स बनाने का टोटल एक्सपेंस, आई एम नॉट आस्किंग सेइंग पर शर्ट, या चलो पर शर्ट लगा लेते हैं, 100 शर्ट्स तुमने बनाई और 100 शर्ट को बनाने का एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल खर्चा जो एक शर्ट को बनाने में आया वो तुम्हारा आया 250 रुपीज़। 100 शर्ट्स तुमने बनाई हैं और 100 शर्ट्स को बनाने में तुम्हारा 250 का खर्चा है, और सोचो तुम्हारी कोई भी शर्ट बिकी नहीं, अभी कोई भी शर्ट नहीं बिकी, माइंड में सोच सकते हैं कि कोई भी शर्ट नहीं बिकी, लास्ट में बनाई है, तो ये है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और नेट रिलायजेबल वैल्यू, नेट रिलायजेबल वैल्यू, सोचो ये शर्ट तुम्हारी अगर 500 की बिके, केस नंबर ए, केस नंबर बी 250 की बिके, और केस नंबर सी 200 की बिके मार्केट में। अब तुम बोलोगे सर 200 कैसे हो सकता है, 250 की चीज़ बनाई है, हम तो महंगी ही बेचेंगे। ऑफ कोर्स यस, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम चीज़ को महंगी ही बेचेंगे, लेकिन हो सकता है मार्केट बहुत मंदी हो, मार्केट में बहुत ऊंच नीच चल रही हो, जैसे जो लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, स्टॉक उसमें गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं, तो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो अगर चीज़ महंगी खरीदी है, मार्केट रेट सस्ता चल रहा है, तो हमें तो सस्ता ही बेचना पड़ेगा, है ना। तो तुमने शर्ट जो बनाई थी उसको बनाने में खर्चा आया 250, और मार्केट में शर्ट बिकती है 500 की, तो तुम अपनी बुक्स में ये हमारी 100 शर्ट्स पड़ी थी हमारे पास गोडाउन में, इन 100 शर्ट्स को जो तुम अपनी बुक्स में वैल्यू लिखोगे, इसकी वैल्यू विल बी 100 × 250 यानी 25,000, यू विल राइट 25,000। अगर तुम्हारी जो शर्ट है 250 की बिकती है और मार्केट में 500 रुपये रेट है, तो तुम 250 लिखोगे। क्यों? ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है लॉजिकली, ध्यान से सुनना। एक्चुअली में अगर तुम कोई काम स्टार्ट भी करना चाहो, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू विल थिंक इन योर माइंड दैट वॉट आर द नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ दैट बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स, फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज द नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ दैट बिजनेस, के आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पॉजिटिव आया तो अच्छा है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हुई, कुछ जो मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर, और कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने में मेरे को ये पता है कि मेरे पास लेट से स्टार्टिंग में 100 बच्चे आएंगे, ये मैंने सिर्फ सोचा हुआ है। हो सकता है 100 की जगह एक भी ना आए, हो सकता है 1,000 भी आ जाए, है ना, लेकिन मैं कभी 1,000 के बारे में नहीं सोचूंगा, जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक भी बच्चा नहीं आया, तो मैं एक्सपेंसेस कहाँ से करूँगा, कौन मेरे को एक्सपेंसेस में हेल्प करेगा, सोचना पड़ेगा ना। तो अकाउंट्स का हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसको इस बारे में बोला जाता है, इसकी जो लाइन होती है दैट इज एंटीसिपेट ऑल लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट्स, मतलब फ्यूचर लॉसेस और फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो उसको अभी से बुक्स में दिखाओ कि हाँ आगे जाके मुझे लॉस होगा, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तब की तब देख लेंगे। दिस इज़ अ गुड बिजनेस सेंस, हमेशा एक अच्छे बिजनेस सेंस यही कहलाता है। तो इस टॉपिक में ये जो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, स्टॉक की मेरी कॉस्ट थी 250 बनाने का खर्चा, और मार्केट में बिकेगा 500 का, दैट मीन्स 250 का मुझे फ़ायदा है, तो फ़ायदे को मुझे नहीं देखना, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि भैया चीज़ को बनाने में मेरा इतना खर्चा है, ठीक है। दूसरे केस में सेम चीज़, अगर स्टॉक 250 का है, बिकेगा भी 250 का, तो मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो मैं 250 का ही अपनी बुक्स में इसको लिखूंगा। अब अगर स्टॉक मेरा बिकता है 200 का और बनाने में खर्चा आया 250 का, तो मुझे पता है कि अगले साल जब मैं स्टॉक बेचूंगा कितने का बिकेगा, 200 का, कितने का बिकेगा, 200 का, बनाने में खर्चा कितना आता है, 250। तो मैं बुक्स में जो अपनी वैल्यू लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20,000 into
200 into 100, दैट मीन्स 20,000 एंड नॉट 25,000. क्यों? क्योंकि जो मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा वैल्यू उसकी आगे कम हो रही है. अगर मैं ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा वैल्यू, तो वो गलत हो जाएगा. मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एसेट रखे है 250 का, लेकिन मार्केट में वो बिकेगा 200 का, तो 250 का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनाना. वो तो मैं जान के वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, अपना ही नुकसान कर रहा हूँ कि मैं, मेरे पास चीज़ है 250 की, मार्केट में 200 की बिकेगी जो कि मैंने बेचनी है, लेकिन चीज़ है 250 की. गलत आस्पेक्ट. तो हमेशा हम चीज़ को दिखाते हैं, तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज़ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस. हमेशा हम स्टॉक को दिखाते हैं एट कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस. ठीक है, तो इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, यहां से स्टार्ट करते हैं. इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, हमने जो गुड्स परचेज किए थे बेचने के लिए, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है, कंज्यूमेबल स्टोर सच एज ऑयल जो हमारा यूज होता है, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, पार्टली फिनिश गुड्स. अभी शर्ट ईयर एंड 31st दिसंबर को बुक्स क्लोज होती है. सो 31st दिसंबर इंडिया में 31st मार्च में होती है, बट आई एम टॉकिंग लाइक इन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड. तो 31st दिसंबर को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं. सो 31st दिसंबर के दिन हमारी शर्ट्स कुछ हैं जो अभी पूरी नहीं बनी, आधी बनी हुई हैं. सो है तो वो भी हमारा स्टॉक, पूरा नहीं बना, ये थोड़ी है कि वो डैमेज है, वो तो बन जाएगा आगे जाके. सो दैट इज कॉल्ड पार्टली फिनिश गुड्स. और फिनिश गुड्स मीन्स जो शर्ट हमारी पूरी रेडी है, रेडी फॉर सेल. इन सारी चीजों को हम बोलते हैं इन्वेंट्री. सब चीजें आती हैं हमारी इन्वेंट्री में. अब आती है इन्वेंट्री को हम बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाते हैं, एट वॉट वैल्यू वी शो इन्वेंट्री इन दी बुक्स, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू. लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू. अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कॉस्ट में ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट में ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. अब शर्ट को, ये मेरी शर्ट है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो प्लीज इसको मैनेज कर लेना. ये मेरी शर्ट है, पता नहीं क्या बन गया है, कुछ और ही लग रहा है मुझे, बट जो भी है इसको शर्ट मान लो. इस शर्ट को यहां तक बनाने में जो भी खर्चा हुआ है, कपड़े का, कॉलर्स का, बटन्स का, जो इस पे वेजेस लगी है, स्टिचेस, सारा खर्चा मिला के जो टोटल खर्चा हुआ है वो कॉस्ट में आता है. दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, जो मैंने मटेरियल परचेज किया है, परचेज करते हुए मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी दी है, परचेज करते हुए अगर मैंने इंपोर्ट किया था सामान तो इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा. फ्रेट, और इसको मैं बोलता हूं फ्रेट और कैरिएज इनवर्ड्स. कैरिएज इनवर्ड्स मतलब रॉ मटेरियल को जब हम परचेज करते हैं तो हमें कुछ एक्सपेंस पे करना पड़ता है ट्रैवलिंग का, सामान को वहां से यहां तक लाया तो ट्रैवलिंग हमने पे करी, दैट इज कॉल्ड कैरिएज इनवर्ड. इसको भी हम इंक्लूड करते हैं. और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट में आती हैं. और नेट रिलायबल वैल्यू क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब चीज़ को बेचेंगे तो कितने की चीज़ बिकेगी, लेस एनी सेलिंग कॉस्ट. अगर चीज़ को बेचने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ा, जैसे किसी को ब्रोकरेज देनी पड़ी, कमीशन देना पड़ा, वो हम माइनस करेंगे. क्योंकि अगर चीज़ हमारी 100 की बिकती है और 2 रुपये मुझे कमीशन देना पड़ा है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए सेल्स तो 98 की हुई ना. तो नेट रिलायबल वैल्यू माइनस माइनस एनी सेलिंग कॉस्ट, दैट इज मेरी नेट रिलायबल वैल्यू. ठीक है, कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उतने पे हम स्टॉक की वैल्यू करेंगे. अब इसका आगे क्वेश्चन देख लेते हैं. सो पहले कॉस्ट पढ़ लेते हैं. सो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इंक्लूड्स, ये हमने अभी ऊपर भी देखा था, कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स करंट लोकेशन एंड कंडीशन. इसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब मटेरियल को कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, और लिख लेना बुक में, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैरिएज इनवर्ड्स.
carriage inwards. Cost of conversion, this includes direct cost and production overheads. अब production overheads क्या क्या होते हैं, ध्यान से. Depreciation of productive machine, मतलब जिस मशीन में हमारी शर्ट बनती है तो वो मशीन की वैल्यू अगर गिर रही है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारी 1 लाख की मशीन थी और ये मशीन टोटल 10,000 शर्ट्स बना सकती है लेट से, और मैंने 2,000 शर्ट्स बना दी, तो 10,000 शर्ट्स ये बना सकती है, 2,000 शर्ट मैंने बना दी, दैट मीन्स मैंने 1/5 शर्ट बना दी, तो इसकी वैल्यू भी 1/5 गिर जाएगी. अभी हमें वो कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़. सो अगर जो शर्ट जो मशीन हमने परचेज की है और जिस पे प्रोडक्ट बनता है, तो अगर उसकी वैल्यू गिर रही है वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड होगी. बिल्डिंग इज इंक्लूडेड हेयर, अगर मैंने बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मेरी चीज़ बनती है, वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बिल्डिंग में अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो केमिकल्स वगैरह से बिल्डिंग की लाइफ भी कम हो जाती है, तो उस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन होती है, तो बिल्डिंग का खर्चा भी हम चीज़ में ऐड करेंगे. ध्यान रखना, हमें बायफकेट बिल्कुल नहीं करना कि बिल्डिंग का खर्चा इतना था उसको हम बायफकेट करेंगे इतने इतने में डेप्रिसिएशन, नहीं, हमें वो चीज़ नहीं करनी यहाँ पे, बिकॉज वो तुम्हारा अलग से सब्जेक्ट है, दैट इज़ अ प्योर डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर यू, जिसमें हमें प्रॉपर कॉस्ट निकालनी होती है. ठीक है, यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं देखनी, यहाँ पे हमें हर चीज़ गिवन होगी. सो दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत हमें नहीं है. ठीक है, मैं रीज़न इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाने लगा तो ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए दैट इज़ नॉट गुड. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे अगर तुम कॉन्सेप्ट सोचने बैठ गए कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. वी हैव टू बी वेरी क्विक, हमें सिर्फ चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, चीज़ का शॉर्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूरा डिटेल जो चीज़ है वो हमारा अलग सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखना. जो मैं बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट, इम्पोर्ट ड्यूटी, फ्रेट और कैरियज इनवर्ड्स, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट हमारी आ जाएंगी, जिसमें वेजेस भी बोल सकते हैं, वेजेस, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन सारी चीज़ों को हम कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करते, ऐसा नहीं है कि माइनस होंगी, इन चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल कॉस्ट में. सेलिंग कॉस्ट, दिस सेलिंग कॉस्ट इज़ डिफरेंट, जो हमारी नेट रिलाइजेबल वैल्यू में से माइनस होती है, दिस इज़ डिफरेंट. स्टोरेज कॉस्ट हमारी नहीं इसमें ऐड होगी. कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं ऐड होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं ऐड होगा. और कैरिएज आउटवर्ड्स नहीं ऐड होगा. कैरिएज आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि जब हमें सामान बेचना होता है तो बेचने के टाइम के लिए हम कुछ, जैसे अपने गोडाउन से कस्टमर के गोडाउन तक सामान भेजने का हमने खर्चा दिया, वो कॉस्ट को हम, उस खर्चे को हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते, बिकॉज उसका चीज़ के बनने से कोई रिलेशन नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है, जो मैंने ऊपर एक शर्ट बनाई थी, इस शर्ट को टोटल बनने में कितना खर्चा हुआ है, वो ही हमारा कॉस्ट में आएगा. अब बनने के बाद बिकने का खर्चा, ये सारा खर्चा, पैकिंग पुकिंग, अच्छी सी लेबलिंग, उस चीज़ को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा. मैं इंक्लूड करूँगा सिर्फ इस शर्ट को बनाने का खर्चा, दैट विल बी माय कॉस्ट. ठीक है, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर फटाफट से पढ़ना है यू कैन जस्ट रीड इट, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना. इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी, आगे क्वेश्चन करते हैं इसका. इसको भी अभी छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल, अभी हम इसमें नहीं कुछ करेंगे. सो जैसे हम ये करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, मैं तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ कि जो हमें एग्जाम में करना है, कॉन्सेप्ट भी मैं करा रहा हूँ साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी के लिए. पूरा डिटेल में मैं वही बार बार बता रहा हूँ, दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर डिटेल. अभी बहुत कुछ पढ़ना है अकाउंट्स में तुम्हें, आगे बहुत डिटेल में जाना है, तो अभी के लिए हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, विच इज़ इररिलेवेंट. सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4. कोल्स बिजनेस सेल 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द ईयर एंड. ये है प्रोडक्ट एक्स,
ये है प्रोडक्ट वाई और ये है प्रोडक्ट जेड। एक्स प्रोडक्ट की हमारी जो इसकी कॉस्ट है वो है 70, फेयर वैल्यू लेस फर्दर कॉस्ट टू सेल यानी नेट रिलायजेबल वैल्यू है 10। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर है ना। तो यहां पे एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट है 7, नेट रिलायजेबल वैल्यू है 10, तो दैट मीन्स हम 7 पे वैल्यू करेंगे इसको। प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट है 10 और मार्केट में बिकेगी 8, दैट मीन्स 2 रुपये लॉस पे जाएगी, तो हम अभी से उसको 2 रुपये लॉस यानी 8 रुपये का ही बुक्स में लिखेंगे। जेड प्रोडक्ट की कॉस्ट है 19 और मार्केट वैल्यू है 15, तो इसको भी हम 15 पे लिखेंगे। तो टोटल जो हमारा स्टॉक आएगा दैट विल बी 7 × 100 यानी 700, 8 × 200 यानी 1600, 15 × 3 यानी 4500। तो इसका टोटल कर लेते हैं, सो 45 + 2 = 65 + 3 = 68, सो आंसर इज बी 6800। सो योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 6800। एक बार चेक कर लेते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 का आंसर। सो दिस इज टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4, 6800, ठीक है। तो अब जैसे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 में लिखा हुआ है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट द फेयर वैल्यू लेस फर्दर कॉस्ट टू सेल दैट इज आल्सो कॉल्ड नेट रिलायजेबल वैल्यू बी लोअर देन कॉस्ट। तो इन नेट रिलायजेबल वैल्यू क्यों हमारी कॉस्ट से कम हो सकती है, ऑल्दो तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, बट स्टिल क्यों कम हो सकती है, क्योंकि अगर हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हैं और मार्केट रेट बहुत गिर चुका है प्रोडक्ट का, मार्केट में वो चीज़ बिकती नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसकी, तो रेट गिर जाएगा। अब बनने को चीज़ हमने ज़्यादा की बनाई थी, डिमांड है नहीं, तो ऑब्वियसली हमें रेट कम करना पड़ेगा। सो दैट कैन बी अ सर्कमस्टांस जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो सकती है। अब फटाफट से अंडरस्टैंडिंग 6 करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग 6 इज स्टॉर्म एंटिटी हैड 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट 30 June 2005। द प्रोडक्ट हैज़ बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 18 पर यूनिट एंड नॉर्मली सेल्स एट 24 पर यूनिट। मतलब हमारे पास 30 जून को 500 यूनिट पड़े हैं किसी भी चीज़ के। अब 500 यूनिट की जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट हमें दी हुई है $18 पर यूनिट एंड नॉर्मली सेल्स फॉर $24। तो जो सेल है दैट इज $24। रिसेंटली प्रोडक्ट एक्स स्टार्टेड टू डेटीरियोरेट, मतलब डिमिनिश, उसकी वैल्यू गिरनी मार्केट में स्टार्ट हो गई, बट कैन स्टिल बी सोल्ड फॉर 24 पर यूनिट। मार्केट में उसकी वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो गई बट अभी भी वो ₹24 का बिक सकता है, $24, प्रोवाइडिंग दैट सम रेक्टिफिकेशन वर्क इज अंडरटेकन एट अ कॉस्ट ऑफ 3 पर यूनिट। मतलब प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई या प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो गया इसलिए उसकी वैल्यू गिर गई, लेकिन हम इसको अभी भी 24 का बेच सकते हैं बट हमें ₹3 का एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स ₹24 में बेचने के लिए हमें ₹3 का एडिशनल खर्चा करना है, तो नेट रिलायजेबल वैल्यू विल बी 24 - 3 = 21। नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी होगी, 21, क्योंकि 24 का बेचने के लिए दैट मीन्स सेल करने के लिए मुझे एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा 3। सो नेट रिलायजेबल वैल्यू, मुझे जो नेट मिलेगा दैट विल बी 21, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट वैल्यू जो मुझे बेच के मिलेगी दैट इज 21, कॉस्ट है 18। सो नेट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस दैट मीन्स 18, सो 500 × 18 दैट विल बी मेरी कॉस्ट, इट विल बी 9000, दिस इज माई आंसर, ठीक है। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, एक सेकेंड गाइस, पहले टाइम देख लूँ,
Test Your Understanding 7, Hurricane, an entity, had 1500 units of product Y at this. 1500 units hai humare paas on this date. The product has been purchased at a cost of 30 per unit. So cost of product at $30 and normally sells at 40. So jo sale price hai, that is 40. Recently the product started to same deteriorate and can now be sold for 38 per unit. Ab uska jo selling price ho gaya, wo ho gaya 38. Provided that some rectification work is undertaken at a cost of 10 per unit. Matlab 40 ki cheez thi, ab bikegi 38 ki. लेकिन 38 का बेचने के लिए भी मेरे को 10 रुपये ऊपर खर्चने पड़ेंगे क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज होना स्टार्ट हो गया. दैट मीन्स नेट रिलायबल वैल्यू जो मुझे मिलेगी 38 का बिकेगा, 10 रुपये मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, दैट मीन्स मुझे अल्टीमेटली 28 मिलेंगे. कॉस्ट है 30, नेट रिलायबल वैल्यू है 28, सो आई विल टेक 28. सो क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा होगा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 28 into 1500, that will be my answer. एक बार मैं चेक कर लेता हूं. into 1500, this is 42,000. So my answer will be 42,000. ठीक है. अब test your understanding 8. According to International Accounting Standard 2 Inventories, मतलब IS2 जो होता है, it is for inventory. The item that may be included in computing the value of inventory of finished goods are clearly specified. मतलब closing stock को value करने में क्या-क्या खर्चे हम include करते हैं, उसको हमें देखना है. So which one of the following list consists only of items which may be included in the statement of financial position for the valuation of stock. Stock की valuation करने में कौन-कौन से खर्चों को मैं add करूँगा. अब एक चीज़ guys याद रखना, ऐसे question जब भी तुम्हें आए तो कभी भी ये ना देखो कि कौन-कौन से खर्चे include होंगे. तुम ये mind में याद रखो कौन-कौन से खर्चे exclude होते हैं और वो एक्सक्लूड वाले खर्चे इसमें से काटते जाओ कि ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं. दैट विल बी योर आंसर. इंक्लूड करोगे तो तुम्हें सारे बार बार पढ़ने पड़ेंगे. याद रखो एक्सक्लूड वाला. इंक्लूड का मतलब क्या है कि अगर चार खर्चे मुझे दिए हुए हैं तो हो सकता है एक एक्सक्लूड वाला हो, तीन इंक्लूड वाले. अब तीन में तुम कन्फ्यूज हो सकते हो, इसको या ये आता है नहीं आता, मुझे नहीं याद यार पता नहीं इसका तो, लेकिन मुझे ये कन्फर्म्ड है ये नहीं आता. तो जो नहीं आता हम अभी उसी पे फोकस करेंगे. सो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा नहीं आता. तो फोरमैन वेजेस, वेजेस मैंने बताया था आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज आउटवर्ड नहीं आता, दैट मीन्स ये नहीं होगा. रॉ मटेरियल कैरेज इनवर्ड्स, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हमारा नहीं आता, ये नहीं होगा, ख़त्म सीधा. प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल, फोरमैन वेजेस, ये लग रहा है. आगे देखते हैं, कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आता, सी इज योर आंसर. जल्दी जल्दी आंसर निकालना है हमें. So there are two different ways of finding, by going direct way or indirect way. Direct way is lengthy, indirect way is easy and small. अभी पता चलेगा धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के. ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, पहले तुम एक बार ये वीडियो देखो, अच्छे से समझो, कोई भी डाउट्स है मुझसे पूछो, इस वीडियो से मुझे आइडिया हो जाएगा. और प्लीज गाइज, Whoever is watching the video, please इस video में मुझे comment करके बताना है तुम्हें समझ आया है कि नहीं. This is very important, क्योंकि अगर कोई doubt है तो पहले मैं एक doubt video बनाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा. लेकिन अगर comment करोगे तुम और तुम्हें मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, तभी मैं next video बनाऊंगा according to that. क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि first part जो हमने पढ़ा है वो चीज़ clear हो जाए अच्छे से. ठीक है guys, याद रखना ये चीज़. चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला सेकंड पार्ट कराता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं इसमें. तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है गाइस, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय.